वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम जो है, आपको पता है कि जो हम लास्ट में क्या कर चुके हैं, 8 पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि टेंसेज से रिलेटेड थे। ठीक है, 8 जो हमारे टेंस होते हैं उनसे संबंधित हमारे वॉइस बनते हैं, उनके लिए हम 8 जो एक्सरसाइज के पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। प्लस में 2 जो है कौन से पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, रूल्स ओनली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट है हमारा किसके लिए, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके लिए। इसके कितने पार्ट्स होंगे टोटल, 4 पार्ट होंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए हम इस पार्ट में क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात यह है, टेंसेज के बाद बारी आती है मोडाल्स की। किसकी बारी आती है, मोडाल्स की। मोडाल्स में क्या करते हैं, मोडाल्स के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इस के बीच में हम बी को लगा के और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है यूज कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। बाकी 2 चीजें और आएंगी इसी स्लाइड में, 2 रूल्स और आएंगे, उनको भी हम पहले समझाएंगे फिर हम अपना चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैन नॉट है, तो यहाँ पे देखिए दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस बॉक्स उसके बाद कैन नोट ही होगा, कैन नोट, उसके बाद बी। ठीक है, अब बी जो है इस कैन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी काम करेगा और हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि बी के बाद जब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तभी तो हमारे वॉइस बनते हैं। तो कैन बी लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड है ना, तो लिफ्टेड बाय द बॉय। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय द बॉय। उसके बाद नेक्स्ट है, वी मस्ट हेल्प द पुअर, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। ठीक है, बाय अस लिखो या ना लिखो, ठीक है, मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं बाय अस, क्योंकि हमारे ही द्वारा किया जाएगा उनको हेल्प। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में विन द मैच में बी वॉन बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन। अब ये बाय वन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में भी नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वी शुड लव आवर कंट्री, आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द पीपल मे हैव नोन द ट्रूथ। यहां पे आ गया दूसरा रूल हमारा, यहां पे दूसरा रूल या दूसरी बात क्या आ जाती है, यहां पे दूसरी चीज देखिए, मे है, मे के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। अब यहां पे देखिए सबसे पहले आ जाता है मॉडल, फिर आ जाएगा हैव, और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तरीके से परफेक्ट की आपको ये सेंस दे रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे मॉडल को हम सेम रखेंगे, हैव को भी सेम रखेंगे, हैव के बाद हम बीन का यूज कर देंगे यहाँ पे, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वहां पे थर्ड फॉर्म ही है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। तो किस तरीके से चेंज करते हैं, द ट्रूथ, उसके बाद मे
हैव, अब यहां पे क्या जाएगा, बीन, बीन नोन बाय द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, इस तरीके से हम अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन, यू शुड हेल्प द नेबर। तो द नेबर ये फिर से वही आ गया पहले वाला, ये एक बीच में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, हेल्प के बाद शुड के बाद सीधा हेल्प है, तो बी लगा के हम इसको बना देंगे। तो द नेबर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, प्रोनाउंस याद करने की जरूरत है, कर लीजिए। उसके बाद क्या है, ये फिर से हैव के बाद वोट आ गया, शैल आ गया, हैव आ गया, फिर वोट आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकार, आकार, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकार शैल की जगह विल हो जाएगा बस। ठीक है, विल हैव बीन बोट, BOUGHT, बोट बाय मी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल किनारे पे ही थे हम। तो क्या कर सकते हैं, आई शैल हैव बोट अ कार की जगह पे, अ कार विल हैव बीन बोट बाय मी। अब आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन पे, वन मस्ट लव वंस कंट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस कंट्री, वंस कंट्री मस्ट हैव, मस्ट बी लव्ड, हैव नहीं, बी लव्ड, बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माय वाइफ इज टू बाय अ स्कूटर। लास्ट क्वेश्चन फिर एक अलग रूल से आता है, देखिए, माय वाइफ इज टू बाय अ स्कूटर। देखिए, सबसे पहले आप जो हमारे रूल्स ओनली वीडियोस है ना, अगर वो देख के आएंगे, सेकंड जो है पार्ट में मेरे ख्याल से ये मिलेगा आपको ध्यान में, जहां तक मुझे आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो क्या होगा, सबसे पहले मिलेगा आपको सब्जेक्ट, फिर मिलेगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव या फिर हैड, इनमें से कोई एक, और उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का, मेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इसको किस में चेंज करना है, ये सेम रखना है। अगर इज एम आर में से दिया है तो इन्हीं में से आएगा एक, अगर वोज वर में से दिया है तो इन्हीं में से आएगा एक, हैज हैव में से दिया है तो इन्हीं में से आएगा, हैड तो आना ही आना होता है, इनमें से एक आएगा, मतलब सेम हो सकता है या उसका दूसरा हो सकता है, प्लूरल फॉर्म हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो टू बाय हैं, इसके बीच में फिर टू आएगा, इसके सेम के बाद फिर यहाँ पे बी लगाना है, और फिर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, और फिर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको चेंज करने की जो है कोशिश कीजिए, नहीं बंद हो रहा, कोई बात नहीं। देखिए, माई वाइफ इज टू बाय अ स्कूटर, अ स्कूटर इज, ही आएगा इसके साथ तो इज, उसके बाद मैंने क्या कहा था, टू, टू भी आ जाएगा, टू, फिर उसके बाद बी, इज टू बी बोट, BOUGHT, बोट बाय माई वाइफ, बाय माई वाइफ, उधर ही लिख देते हैं वाइफ। ठीक है, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को जो है चेंज किया जा सकता है। तो आपको जो है आज जो राइटिंग है ना, वो भी अच्छा लग रहा है, तारीफ कर देना थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में राइटिंग का, कि आज सर अच्छा लिख रहे हैं ना, या भैया आज आप अच्छा लिख रहे हैं ना, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को छोड़ के बाकी सभी ठीक जो है, अच्छी राइटिंग आ रही है यहाँ पे। तो राइटिंग के अलावा अगर हम बात करें तो ये तीन जो है आज के हमारे रूल्स रहेंगे, और देखते हैं हमारे, ये थे हमारे आज के फर्स्ट टू 10 सेंटेंसेस, देखते हैं 11 टू 20
और फिर 21 to 25 तीन स्लाइड्स में हमारी वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसको। स्लाइड में आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे 10 सेंटेंसेस हैं उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, समवन इज टू हेल्प द हेल्पलेस। जो लास्ट स्लाइड का 10th जो सेंटेंस था ना, सेम उसी रूल्स पर जो है सारे के सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पे शुरुआत हुई है, मतलब कुछ सेंटेंसेस हैं इस स्लाइड में। तो द हेल्पलेस, द हेल्पलेस इज आ जाएगा, यहाँ पे इज टू भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा बी और हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड बाय समवन, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ही हैज टू डू दिस वर्क। तो दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हिम भी लिखना होगा, बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लंबा है, देखते हैं। द टीचर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे द प्राइजेज जो है हमारा ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। द प्राइजेज, द प्राइजेज फिर क्या होगा, हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, द पोस्टमैन हैड टू डिलीवर द लेटर्स। तो द लेटर्स हैड में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैड ही आएगा, हैड टू बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, द डॉक्टर वॉज टू एग्जामिन द पेशेंट्स। वॉज गलत, प्लूरल फॉर्म है तो वर आ जाएगा, वर टू बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर है ना, हाँ बाय द डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, आई वॉज टू बाय सम बुक्स। अब यहां पे भी वर होगा, वॉज है ना, तो वर हो जाएगा, वर टू बोट, टू बी बोट, यहां पे भी लिखा, हाँ टू बी बोट बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, दे स्विच्ड ऑफ द लाइट। तो द लाइट स्विच्ड ऑफ, यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट जस्ट बाद सेकेंड फॉर्म, उसके बाद जो है अपनी प्रेपोजिशन, ये तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस दे दिया। तो हम उसका क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट को बनाने के लिए क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट को बनाने के लिए वॉज या वर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करेंगे द लाइट की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, फिर स्विच्ड ऑफ बाय देम, देखा क्या हो जाएगा, देम, तो बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th है, द क्रिमिनल्स कट डाउन द टेलीफोन वायर्स। तो ये सही दिख रहा है ना,
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द वायर्स, द टेलीफोन वायर्स, द टेलीफोन वायर्स, उसके बाद क्या है, कट डाउन का है ना, तो ये क्या हो गई यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म हो गई कट डाउन, है ना, द क्रिमिनल्स कट डाउन, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो उसमें हम क्या करेंगे, इज, एम या आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को यूज करते हैं चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेलीफोन वायर्स इज, इज कट का थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है, सेकंड भी सेम ही रहता है, कट डाउन बाय द क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल्स या ना, बाय द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, देखिए एक बार चेक कर लीजिए, द क्रिमिनल्स कट डाउन द टेलीफोन वायर्स, द टेलीफोन वायर्स इज कट डाउन बाय द क्रिमिनल्स, ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19th, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा सेंटेंस था, अ कार रैन ओवर अ चाइल्ड। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया फिर से, तो वही वॉज या वर, तो आ कार नहीं, अ चाइल्ड वॉज रन, रन रैन और रन, ऐसे होता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म, रन ओवर आ चाइल्ड वॉज रन ओवर आ कार, सॉरी 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 सॉरी, रन ओवर बाय अ कार। उसके बाद क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू डू दिस वर्क, फिर से टू डू आ गया, ठीक हैव आ गया यहाँ पे, हैव टू डू, तो दिस वर्क, दिस वर्क, अब यहाँ पे हैव आई के कारण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज टू बी डन बाय मी, बाय मी। इस तरीके से हमारे जो सेंटेंसेस हैं 11 to 20 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही हो, बातें अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, हम लोग अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अपने आज की जो वीडियो है या आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है उसके, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए क्या है, फर्स्ट जो सेंटेंस है 21st, द रिच ऑफन लाफ एट द पुअर, तो यहाँ पे द रिच सब्जेक्ट है, ऑफन एडवर्ब का काम करता है जो कि वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है ये, ठीक है। तो लाफ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो द पुअर इज ऑफन ऑफन लाफ्ड एट, ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है, लाफ्ड एट बाय द रिच, बाय द रिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, द पुलिस चार्ज्ड हिम विद मर्डर, तो ही, हिम से शुरू कर रहे हैं हम, ही चार्ज्ड है, सेकेंड फॉर्म है, तो वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, विद मर्डर बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, टेक केयर, चलो पहले सब्जेक्ट तो लेके आओ, आवर हेल्थ, अब देखो मस्ट टेक केयर है, तो मस्ट टेक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बी के साथ बनाएंगे, तो है आवर हेल्थ मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन केयर, केयर ऑफ बाय अस, टेकन केयर ऑफ बाय, वी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, समवन हैज स्टोलन माई हैंडकरचीफ, अब ये देखो सब्जेक्ट हो गया हैज प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन दोनों के बीच में बीन रखते हैं, तो माई हैंडकरचीफ, माई हैंडकरचीफ, ये कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, बीन स्टोलन, बीन स्टोलन, स्टोलन उसके बाद बाय समवन तो लिखते ही नहीं है, बस यहीं तक हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, द एडिटर हैज टू चेक द मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपने करना है, क्योंकि मैं बता देता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आप इसको कह लीजिए है, ठीक है, वर्ब कह लीजिए, मेन वर्ब कह लीजिए इसको है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहिए है, ये टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है। ऑब्जेक्ट को लेंगे टू के और इसके बीच में आप रखेंगे बी, अब बनाइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट वन, किसके लिए एक्सरसाइज थी मिसलेनियस, और क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन जो है हमारा ये टू स्टार्ट हो चुका है, तो 1 से 25 तक सेंटेंस कर चुके हैं। शुरुआत में हमने बताया था कि 26 से 50 तक हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, इसी तरीके से 51 to 75, 76 to 100 जो है क्वेश्चंस इस लेसन में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और सेशन आपको कैसा लगा, वीडियोस कैसे लगते हैं आप बताते नहीं हैं ज़्यादा, तो आपके व्यूज़ आपके जो विचार हैं वो सब हमारे साथ साझा किया करें, शेयर किया करें, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।